मंडरा रहा बिजली संकट का खतरा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारत में कोयले से बिजली बनाने वाले 135 पावर प्लांट्स हैं। इनमें से 107 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है, वहीं 28 पावर प्लांट्स के पास महज 2 दिन का कोयला है। 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम का कोयला बचा। दिल्ली में भीषण बिजली संकट का खतरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बिजली संकट की समस्या। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा। TPDDL ने कहा कि पावर प्लांट्स में कोयले का भारी संकट है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। जिम्मेदार नागरिक बने और संयम रखें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभावित बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। सीएम केजरीवाल ने की दखल देने की मांग। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। दिल्ली में बिजली संकट के खतरे की आशंका पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि अगस्त और सितंबर के बाद ये लगातार 3रा महीना है जब बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से बनाए गए नियम का हवाला देते हुए कहा है कि पावर प्लांट को 10 से 20 दिन का कोयले का स्टॉक रखना होता है, लेकिन 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है, जिसका असर गैस स्टेशन पर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट देखने को मिल सकता है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले की कमी से सिर्फ दिल्ली ही नहीं उत्तर भारत में समस्या हो सकती है। फिलहाल दिल्ली में कोई बिजली संकट नहीं है। इस मामले पर ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारत में बिजली संकट के आने की आशंका क्यों है? भारत में बिजली संकट इस वजह से आ सकता है क्योंकि देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की संख्या 135 है। इनमें से 107 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। इस साल सितंबर महीने में भारत में नॉर्मल से 27% ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। इस बारिश की वजह से भारत की कई कोयला खदानों में पानी भर गया और वहां हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा। कोयला खदानों से निकलकर पावर प्लांट्स तक नहीं जा पाया, जिस कारण से भारत के पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत हो गई है। भारत के पावर प्लांट्स में जहां एक तरफ कोयले की किल्लत दर्ज की गई, तो दूसरी तरफ भारत में बिजली की कुल खपत भी इन्हीं महीनों में बढ़ी है, जिसने भारत के कई राज्यों में पावर कट जैसी समस्या को जन्म दे दिया। ऊर्जा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। ये आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया है, जिसके कारण पावर प्लांट्स में कोयले की खपत भी 2021 के अगस्त सितंबर महीने में 2019 के मुकाबले 18% तक बढ़ गई। प्रोडक्शन में कमी और खपत में बढ़ोतरी की वजह से पावर कट ने दिल्ली NCR के लोगों को भी संकट में डाल दिया है।